जी, ये पेशेंट हैं, 3 मंथ्स हो गए इनकी बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट हुई है और इनका काफ़ी एक्सटेंसिव मेडिकल हिस्ट्री थी जिसमें इनके लिए हाई रिस्क था। इससे पहले इनकी सिवियर आर्थराइटिस बोथ नीज में थी। जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि एक नी एक वक्त में हो, लेकिन इनके इतनी सिवियर आर्थराइटिस था कि अगर दोनों ना हो पाती तो इनके लिए मैनेज करना मुश्किल होता। आज अब इनको हम देख रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे ज़रा चल के दिखा दीजिए, ये सीधी कर सकती हैं टांग अभी आप यहाँ सीधी पूरी? तो कर वेरी सकती गुड। हूँ, और कितना बेंड कर सकती हैं घुटने को? बैंड तो दैट्स वेरी गुड। और अगर उठ के मेरे लिए चल के दिखाइएगा ज़रा। इस पे स्वेलिंग भी ज्यादा है ज़्यादा इसमें। ये वो थोड़ी थोड़ी टाइम के साथ 3 मंथ्स के हिसाब से दैट इज़ एक्सपेक्टेड, और टाइम के साथ साथ बेहतरी उसमें आ जाती है। आप देख सकते हैं कि बग़ैर किसी वॉकिंग स्टिक, आप वापस आ जाइएगा मेरे पास, बग़ैर किसी वॉकिंग स्टिक के साथ चल रही हैं। आपकी रात की नींद कैसी है? वो तो सही है। वेरी गुड, प्लीज़ आइएगा बैठिएगा। लेकिन वो एकदम से ना जी वो दुखन होती है या भारी हो जाती है तो एकदम आँख खुल जाती है। आँख खुल जाती है अच्छा, जी। एक रात में ये नब से नस चढ़ जाती है। जी, तो वो ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा मुझे आपके बैक या मसल्स का प्रॉब्लम लग रहा है जिसके लिए हम आपको मेडिसिन देंगे। थैंक यू वेरी मच।